हिंदू राजपूत थे या कोई सिख थे, तो ये था कि वहां तो हिंदुस्तान ने कुछ करा नहीं, समझे ना, वहां तो उनने एक्सेप्ट कर ली वो बात। और फिर कश्मीर के साथ भी आप देखें, वहाँ जब द मुस्लिम पॉपुलेशन जब राइज करा है वहाँ, तो उसने तो बगावत करी है कि वहाँ महाराजा के डिसीशन पे। तो हम तो यही चाहेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो है ऑन बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमारा साथ दें, बिकॉज हमारे जो लोग यहाँ आए, दे हैड टू लीव द होम्स एंड एवरीथिंग, द बिलोंगिंग्स, उनकी जो भी थी उनकी जागीरदारी छोटी मोटी, उनकी ज़मीनें, उनके मकान, एवरीथिंग दे हैड टू लीव। जिस तरह वो फौज अंदर आई हैगी हिंदुस्तान की वहाँ, तो दे हैव नॉट सीन एनीथिंग और दे हैव नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दैट द पीपल ऑफ जूनागढ़। तो वो तो उठ के फिर एकदम जहर बातें यहाँ आ गए, दे गॉट डिस्प्लेस्ड। और अब आप भी आज भी देखें कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत क्या कर रही है, ये क्या सबक दे रहे हैं अपने लोगों को, समझे। द पीपल आर स्टिल सफरिंग देयर, द बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग इन अ प्रॉपर स्टेट। नवाब साहब, आज जैसा मजहब कॉल पहला जो सवाल है मेरा वो ये है कि कराची हो या इस्लामाबाद हो, आप किसी सिक्योरिटी के बगैर ज्यादा ना घूमते घूमते करते दिखाई देते हैं। आप नहीं समझते कि आप दुश्मन की नजर में हैं, वो दुश्मन आपका हो, पाकिस्तान का हो, मैं उसको मुश्तका दुश्मन समझता हूँ, क्या आपने कभी ये सोचा? नंबर वन। और दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि आज एक ये कॉन्सिक्वेंस है सर कि आज हम पीस कॉरिडोर जो है करतारपुर उसकी आज हम पहली सालगिरह मना रहे हैं, और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया सिक्योरिटी के लिए और सारी दुनिया ने उसको सराहा। अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद साहब को कि प्राइम मिनिस्टर जो गए तो हसन अब्दाल का रेलवे स्टेशन पर जो तकलीफ हुई सिखों को फैसिलिटेट करने के लिए, एक और पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव है वो लिया। पाकिस्तान तो इस किस्म का जेस्चर दिखा रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट का कुछ आपने जिक्र किया, आप क्या समझते हैं कि वो क्या इकदाम हो सकते हैं, किस तरह से आप लॉबिंग कर सकते हैं इंटरनेशनली, किस तरह से आप दुनिया को कायल कर सकते हैं कि वो भारत में जो हुकूमत है इस वक्त उनको भी वो फोर्स करें या मजबूर करें कि वो फैसिलिटेट करें लोगों को, यहाँ तक लोगों को ख्वाजा बदरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार तक जाने की इजाज़त नहीं होती। जी हाँ, ये तो मेरे ख्याल से बड़ा अफसोस की बात है कि हजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे जाने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत गलत बात है। और हम ये समझते हैं कि अगर ये कॉरिडोर जो खोला है करतारपुर का, ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल दे शुड हैव रिलीजियस फ्रीडम राइट्स, अगर जो उनकी कोई यहाँ ऐसे पिलग्रिमेज के जो वो हों फैसिलिटीज हों तो बिल्कुल आने जाने दिया जाए, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई कवाहत नहीं है। और ये है कि हम बिल्कुल इसको हम वी वांट टू टेक इट इन टर्म्स ऑफ ऑन डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग एंड अदरवाइज, इन चीज़ों के ऊपर हम जो है अब पूरा हम बनाएंगे बैठ के कि किस तरह हमारे इंटरनेशनली मूव करना है। बैरिस्टर फारूक कुरैश साहब भी आएंगे और माशाल्लाह वेरी राउंड बड़ा अबूर है इनको इंटरनेशनल लॉ पे, ये भी करेंगे। और दूसरा एक आपका क्या सवाल था? फॉर माई सिक्योरिटी तो ये हैगा कि जी बिल्कुल सही है, अल्लाह की सिक्योरिटी होती है और मैं तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ। और हम तो ये कब से ये इशू इसको लेके चल रहे हैं और हम तो बहुत बोले जूनागढ़ के बारे में और हमने बहुत ललकारा भी हिंदुस्तान को इस मसले पर। तो ये हैगा कि मगर आई थिंक कि अब जिस ट्रेंड के ऊपर ये जा रहा हैगा जिस लेवल पर, तो यस वी कैन टॉक अबाउट सिक्योरिटी अरेंजमेंट विद पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। के
जी हाँ बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है ये यूनाइटेड नेशंस में भी ये उठाएगी इशू को। और दूसरा बैरिस्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो आप कुछ इस मसले पर अपने ख्याल का इजहार करना चाहें। देखिए इस स्टेज पर वेरियस एस्पेक्ट्स जो है इंडियन ट्रांसग्रेशन के अंडर इंटरनेशनल लॉ, दोज आर बीइंग एग्जामिन्ड, और दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट स्टेज फॉर पाकिस्तान टू डिस्क्लोज इट्स एग्जैक्ट लीगल स्ट्रेटजी। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि नवाब साहब ने जैसे फरमाया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे आर ऑन द सेम पेज एंड दे इंटेंड टू परसू दिस इशू ऑफ इंडियन ट्रांसग्रेशन वेरी प्रोएक्टिवली नाउ एंड दिस विल बी एजिटेटेड बिफोर ऑल कॉम्पिटेंट फोरम्स। जहाँ जहाँ पर हमें ये एक गुंजाइश नजर आएगी कि देर इज जुरिस्डिक्शन फॉर दोज फोरम्स टू लुक इन टू दिस एंड फॉर पाकिस्तान टू एक्चुअली आर्टिकुलेट इट्स केस बिफोर दोज फोरम्स, इट विल डू सो। एंड दिस इशू हैज ऑलवेज बीन केप्ट अलाइव ऑन एन एनुअल बेसिस। द पीपल ऑफ जूनागर एंड द नवाब ऑफ जूनागर हैव बीन अग्रेसिवली एंड एक्टिवली बीन प्रोमोटिंग देयर ग्रीवेंसीज। Unfortunately, the international community has yet to take notice, and that notice we intend to ensure is taken by the strategy which is now being developed with regards to bringing it to the notice of the people that matter. Taaki lobbying theek ki jaye, and we should be able to oppose the actions which India takes in trying to camouflage its own transgressions under international law. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सबका जो है रिप्रेजेंट।